कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पंद्रहवें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को भगवान यहाँ बता रहे कि किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है और किस प्रकार से एक अनेक मुख्य प्रकार का शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से पिछले श्लोक में बताया गया है कि दूसरे शरीर स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आँख जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार से मिलता है और ये मन जो मन के चारों ओर संकुचित तो इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का होकर आगे यहाँ पे ये जो आत्मा की यात्रा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जिसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा वो मूर्ख जो है वे नहीं समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब कुछ देख सकता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, देख सकते, पश्यन्ति मतलब देख सकता, जिसके पास ज्ञान की चक्षु। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत, बिना ज्ञान के कोई न तो ये समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, नहीं यह कि वह अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, तो ये नहीं समझ, क्या नहीं समझ पाता है यहाँ पे। पहली बात तो है कि वो समझ नहीं पाता है कि इस शरीर को किस प्रकार त्याग, तो पहली बात यह है। और वो अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है। तीसरा है कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, तो इसके लिए इसको समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। नहीं तो हमें कैसे पता है, हमको पता भी नहीं लग रहा। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं सोचते, शरीर जन्म से मृत्यु तक फिनिश, उसके बाद में कुछ, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो, या बहुत सारे जो अलग धर्म के दार्शनिक हैं जो ऐसे समझते हैं इस मृत्यु के बाद कुछ नहीं। तो और इस शरीर में इस शरीर कैसे प्राप्त हुआ है,
और हम क्यों इस शरीर में रह रहे हैं, ये सब नहीं जान पाते। तो इसके लिए ज्ञान है चक्षु, ज्ञान है चक्षु, और ये ज्ञान चक्षु से हमें प्राप्त करना है। और ये ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे बताया गया कि इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे कि प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। कैसे? चक्षु, कौन से चक्षु? शास्त्रों के चक्षु के द्वारा, और गुरु के चक्षु से द्वारा, शास्त्र चक्षु। तो शास्त्रों के द्वारा, तो यहां पे क्योंकि हमारे पास हमारे जो नेत्र है या देखने का जो ये जो क्षमता है, वे जो है क्या है, स्वीकृति इम्परफेक्ट है। हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख सकते, छोटे से कीटाणु भी नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें कुछ चीज चाहिए, जैसे कि कुछ अपैरेटस चाहिए, कुछ चीज चाहिए, जैसे कि जो हम इस आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि हम अभी चश्मा पहने, कुछ चीजें नहीं देख सकते क्योंकि आंखें जो है उसमें टूटी है। तो उनके द्वारा कुछ चाहिए जिसके माध्यम से हम देख सकते। उसी प्रकार से ये सब जो किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, और क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्यों इस शरीर में है, ये सब ज्ञान की जो दृष्टि है वो शास्त्र से। जैसे कि कीटाणु है, हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं, या दूर दूर के जो ग्रह है उसको नहीं देख सकते, उसको टेलीस्कोप के द्वारा, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो अपूर्ण है। इस प्रकार शास्त्र, इसीलिए वेदांत कहता है शास्त्र चक्षुष पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ज्ञान के चक्षु से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। हमारे इस जो है नेत्रों से, इस भौतिक नेत्र से नहीं देख सकते। तो गुरु और शास्त्र, तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी कि अगर हम शास्त्रों को भी नहीं समझ सकते बिना गुरु की, गुरु जो है हमें इस अंधकार से, ये जो रोशनी ज्ञानांजना शलाका, तो वे हमारे आंखों को जो है चक्षुर उलमिलितम खोल देते, ताकि हम इन सब चीजों की, इन सब चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते। समझना मतलब देखना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं देख सकते। मूर्ख वही है जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र जो कहता है उसको नहीं मानते। तो इसके कारण वे दुख भोग रहे हैं इस बात के, क्योंकि वे हट्टी
नहीं है, समझना चाहते, समझाने के। और अगर कोई हमको कहे कि ऐसे समझाने की भी कोशिश करे, वो नहीं समझ पाते और वो जो है अपना ही करना चाहते। तो गुरु का कार्य क्या है कि हमारे इस ज्ञान को या शास्त्र रूपी ज्ञान से हमारे आंखों को खोल। और जब हम इस प्रकार से हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम ये जो अज्ञान से हम मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान के चक्षु प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भगवान को सब जगह देख सकते हैं। जैसे कि हम श्रीमद् भागवत के पिछले अध्याय में भी कपिल भगवान अपनी माता देव बता रहे। क्योंकि भगवान सब जगह है, ये देख सकते हैं, हमारी स्थिति को हम समझ सकते हैं, हम कौन, हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हम क्यों यहाँ आए हैं और क्यों हम कष्ट भोग रहे हैं, और इस कष्ट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब हम समझ शास्त्रों के द्वारा और भगवान सबका जगह भगवान और सब कुछ भगवान का है, और भगवान सभी चीज में उपस्थित, अनंत रस परमान चयन, सभी परमान में भी भगवान जो उपस्थित। महारानी भी कहती है, लक्षण सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। तो भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, सभी चीजों में है, सब जगह है। और हमारा संबंध क्या है और किस प्रकार से हम शरीर बदल रहे हैं, और भगवान जो है वे सब कुछ जान, वे अज्ञान नहीं है, हम अज्ञान, क्योंकि हम शरीर बदलते हैं, भगवान शरीर बदलते हमेशा, नव यौवन भगवान 3:16, हम शरीर बदलते हैं, और शरीर बदलना मतलब भूल जाना, भगवान नहीं भूलते, वे सब कुछ जान, वे हमेशा हमारे साथ उपदृष्ट अनुमंता के तो भगवान को सब पता है, भगवान सब ज्ञान है, इसीलिए वे हमें यहाँ ज्ञान दे रहे, क्योंकि हम नहीं जानते, इसीलिए बहुत कठिन है। तो भगवान जो बता रहे भगवद गीता में, उससे हम ज्ञान प्राप्त करके हम समझ सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और भगवान चक्षु यस्य न दृश्यति, मतलब हम उनको देख नहीं सकते भगवान को, इसका अर्थ नहीं है कि भगवान हमें नहीं देख सकते, भगवान हमें देख,
अभी हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से ज्ञान चक्षु जब प्राप्त होता है तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से आत्मा इस भौतिक जगत में जकड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वो ये यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है, तो समझ नहीं पाता कि ये प्रकृति के गुणों के अधीन, तो ये प्रकृति के गुणों के कारण आत्मा जो है जकड़ा हुआ है, और इसके कारण वो समझता है कि मैं जो हूं आनंद में हूं, मैं भोग रहा हूं। ज्ञान की चक्षु नहीं होने के कारण वो सोचता कि मैं आई एम एंजॉय, मैं एंजॉय कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक शराबी शराबी सोचता है कि मैं पी रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन जो शराबी नहीं है वो देख सकता है कि वो जो है नशा के वश में है। वो समझ सकता है, वो नहीं देख सकता है। उसको समझ में नहीं आता। और इस प्रकार से ये शराब के नशे के कारण वो, या शराब के एडिक्शन, या शराब के को प्राप्त करने के लिए जो वो सोचता है उसको आनंद मिलेगा, वह यहाँ वहां भागता रहता है उसको ढूंढने के लिए, उसका आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको वो प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा ये जो तीनों गुणों के अंदर, वो तीनों गुणों के कारण यहां से वहां विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जिस प्रकार से एक मूर्ख सोचता है कि मुझे ये आनंद प्राप्त हो रहा है, शराब पीने से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, वो नहीं देख सकता कि एक्चुअली इसमें तो आनंद है। तो इसीलिए ये आनंद जो है वो उसका ब्रह्म है, एक्चुअली वो आनंद है। तो ये तीनों गुण के कारण हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं या दुखी। थोड़ा सा सुख आ जाता है तो हम सुख, जैसे हम सुखी, और ये सुख जब प्राप्त होता है तो फिर जब दुख आता है तो हम सोचते हैं सुख चला गया, दुख आ गया। तो इस प्रकार से ये ज्ञान चक्षु नहीं होने के कारण ये हो रहा है। तो प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता, फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता है। ये भ्रम, इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार, ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन
तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है। वो नहीं समझ सकता उनको समझाने की, तो क्योंकि वे इस वश, इंद्रिय भोग इतना लगा है कि उसको ये सब कुछ समझ जाता है, ये इसका भ्रम है। पर जिसका ये चक्षु है, ज्ञान चक्षु, शास्त्रों की चक्षु से हम व्यक्ति देख सकते, तो वे यह नहीं समझ सकते। किंतु जिन जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वह देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है, विभिन्न प्रकार से बदल रहा है। वो देख सकता है, जिसका आध्यात्मिक चक्षु है, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। तो हम देखते हैं कि आज इतना आधुनिक युग है, इतना एडवांसमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का, पर फिर भी जो है तो सुखी होना चाहिए, लोगों को शांति संतुष्टि सुख और दुख का निवारण। पर जितना भी एडवांसमेंट हो रहा है, फिर भी और भी ये कुछ न कुछ जो है, हमें उस चीज के लिए जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा। पर ये साइंस और टेक्नोलॉजी अगर भगवान को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम इस भ्रम से मुक्त हो सकते। जैसे कि जब नशा उतर जाएगा तब सब जो है अपने असली जो है, तो ये नशा, ये रोग ब्रह्म, ये जो कहते हैं भव रोग का जो बुखार है, जब तक वो बुखार है, जैसे कि कोई बीमार है उसको कोई रुचि, उसको कोई टेस्ट नहीं, कुछ समझ नहीं सकता, तो उसको जो है इसमें आना है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य वापस उस स्थिति में आना होगा, तब वो इस भ्रम से मुक्त हो जाए। तो अतएव जो लोग कृष्ण भावना मृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोग तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। तो ये बद्ध जीवन कष्ट कष्ट है ना, जैसे कि हम देखते हैं शराबी को, उसका कितना कष्ट है, वो कैसा है, पड़ा हुआ है, लगता है कि क्या है, वो अगर सुधर जाए या उसको समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना, क्योंकि ज्ञान है। इस आध्यात्मिक या इस ये सब देख सकता है जो तीनों गुणों से मुक्त है या वशीभूत नहीं है, वो सब जो है देख सकता है और उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर, उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि
हमारे इस भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ श्रम केवलम शास्त्र कहता है। ये श्रम कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब हम जानते हैं कि ओके इस शरीर किस प्रकार से हम त्यागते हैं, तो जब हम जानते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। कष्ट है और हम जानते हैं कि ये कष्ट है जन्म और मृत्यु के बीच। तो मनुष्य जीवन हम ये समझ सकते हैं कि हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं। कष्टों से हमें मुक्त होना, तो हमें क्या करना चाहिए? तो शास्त्र क्या कहता है? यम यम वापि स्मरन रा, शास्त्र अंतकाले जगामी, तो उसको तो ये प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए? तो हम जानते शरीर त्यागना है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम परीक्षा। नहीं तो इस बद जीवन में हम भटकते ही रहेंगे, जैसे कि इस वृक्ष का वर्णन किया गया है, एक डाली से दूसरे डाली। ये भौतिक रूपी जो वृक्ष का जो भगवान ने शुरुआत में वर्णन किया गया है, करते हैं उसमें हम घूमते रहते हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से शिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है, ये सब कैसे हो रहा है। और भगवान बहुत अच्छी तरह से हमें समझा। तो कैसे शरीर था? और अगले अगले जीवन मतलब कहाँ जाना? या भगवत धाम जाओ, या भौतिक जगत में जाओ, या निम्न योनि में चले जाओ, ये समझ सकते। और विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है? तो ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है इस विशेष प्रकार के शरीर में? जैसे कि बताया गया कि दूसरे स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आँख नाक, तो कुत्ता बिल्ली जो भी है, कीटाणु पेड़ पौधा, तो अलग प्रकार के मनुष्य, तो ये समझ। पर ये सब से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। और भगवान बताते हैं, पहले ही उनके धाम के विषय में बताया, कि लो ये दूसरा ये बात ये बताया गया है कि वह मेरा परम नाम न तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान न तद भाषयति सूर्यो न शशांको भाव यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, भगवान बताते। निर्माण मोह जित संग दोष, जित संग दोष, संग दोष, संग दोष में तो भगवान के भक्तों का संग करना। तो ये सब ऑलरेडी बताया गया है। अभी भगवान बताते कि किस कैसे फंस गए। अभी इसको इससे बाहर निकलना, इसका बाहर निकलना कहिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलम गति अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है परम गति को प्राप्त करने के लिए। भगवान का ये नाम ही है, और भगवान का नाम ले जाए, क्योंकि अधिष्ठाय मना चाहे, क्योंकि ये मन आगे पिछले श्लोक में ये बताया गया है ना,
श्रोत्रम चक्षु ये सब जो है अधिष्ठाय मनश्चाय मन के साथ। तो इसीलिए मन को भगवान ने लगा मंत्र मुक्त होने के लिए, मंत्र मन को इस भौतिक चीजों से आध्यात्मिक संबंध या भगवान के साथ संबंध होने के लिए लगाया जाए, और वो एक ही रास्ता है हरे कृष्ण। तो कहीं पे भी जाओ संघर्ष ही संघर्ष है, और हम इस नशे में घूम रहे कि शायद अभी और आनंद आएगा और आनंद आएगा और आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद नहीं है कहीं पे, सिर्फ क्षणिक सुख के लिए हम जो है इस अंधकार में रह रहे, और इस अंधकार से निकलने के लिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इसका सल्यूशन यही है कि प्रामाणिक गुरु से या भगवद गीता का तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ को सुनने और समझ हम समझ सकते, बिल्कुल सुनने से सुनना बहुत जरूरी है। श्रवणम इसके लिए पहला भक्ति का, भक्ति के नव जो अंग है नवदा भक्ति, पहला है श्रवण। तो जब हम श्रवण करेंगे करते रहेंगे हम सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण ने।